हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मिस्टर साहब एडिटिंग चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्टर एडिटिंग की। तो दोस्त, काफ़ी अमेजिंग एडिटिंग है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है। वीडियो में वैसे बहुत मेहनत लगी है, तो आपको पता होगा आपने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया होगा विक्टर एडिटिंग के बारे में। तो अंदर से कुछ और बताते हैं और बाहर से कुछ अलग दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम इन्फिनिटी डिज़ाइन ऐप का उपयोग नहीं करेंगे, हम दूसरा ऐप इस्तेमाल करेंगे, उसमें काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपको ये दिख रहा है डीप आर्ट इफेक्ट। तो आपको इसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये बताएगा यूज़ टू गैलरी। तो आपको गैलरी पर सिलेक्ट करके आपको, मैं वो थंबनेल वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपको ये वाला फ़ोटो है, तो दोस्तों आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है आपकी ये फ़ोटो। तो आपको इस किसी भी इफेक्ट पर क्लिक नहीं करना, जाना है आपको आगे, जो ये रेट्रो दिख रहा है आपको, तो इस पर क्लिक कर लेना है। ये दिख रहा है आपको, तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको ये ऑटोमेटिक ही ये डीप आर्ट आपको ऑटोमेटिक फ़ोटो शो कर देगा। तो आपको आपको थोड़ा सा इसे फ़ोटो को सही करने के लिए आपको इसे बीच में क्लिक कर लेना है, और आपको आर्ट इंसर्ट ट्री को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, शार्पनेस को भी आपको बढ़ा लेना है। इसके नीचे वाला को आपको बढ़ा लेना है और अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। और आपको ये जो दिख रहा है इंस्टाग्राम जैसा, वो ये इसके पास वाला शेयर के पास वाला, तो इस पर आप क्लिक करके आपको इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको, तो लाइट रूम ओपन करने के बाद आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है ब्राइटनेस पर। तो आपको ब्राइटनेस इसमें थोड़ी सी आपको एक्सपोजर को ज़्यादा कर लेना है, और कॉन्ट्रास्ट को आपको ज़्यादा कर लेना है, हाईलाइट को भी आपको ज़्यादा कर ही लेना है, और आपको शेडो को कम कर लेना है, वाइटनेस को आपको बढ़ा लेना है, ब्लैकनेस को आपको कम कर लेना है। और फिर जाना है आपको मिक्स टूल पर। तो आपको ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है, और मिक्स टूल पर क्लिक करने के बाद आपको रेड वालों का ऑप्शन को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ऑरेंज वालों को आपको इसे भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है, जो ये दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके आपको इसे कम कर लेना है। फिर आपको ग्रीन वाले पर क्लिक करने के बाद आपको इसे कम ज़्यादा कर लेना है, और ब्लू वाले पर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, और इसे आपको कम कर लेना है ज़्यादा, और इसके नीचे वाले को भी आपको कम कर लेना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है सिलेक्ट टोन पर। सिलेक्ट टोन के बाद आपको क्लियरिटी को आपको बढ़ा लेना है, इसके नीचे वाला वेंटेज को भी आपको कर लेना ज़्यादा। और दोस्तों, आपको शार्पनेस बढ़ाने के लिए आपको शार्पिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इसके सहारे आपको डिटेल बढ़ा लेना है, आपको कर लेना है शार्पिंग को कम, स्मूथनेस को आपको 96% बढ़ा लेना है, और आपको डिटेल को कर लेना है कम, कलर नोज को आपको कर लेना है ज़्यादा। तो आपको इसका कर लेना है गैलरी टू सेव टू डिवाइस। तो दोस्तों, आपको फिर से आ जाना है गैलरी में। तो दोस्तों, ये लाइट रूम का फोटो आपको सेव होने के बाद आपको फिर से शेड पर क्लिक करने के बाद आपको कर लेना है इसे स्नैपशीट में ओपन। स्नैपशीट पर ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस को ज़्यादा कर लेना है, तो इसे पर आपको ब्राइटनेस के नीचे वालों को आपको कॉन्ट्रास्ट को कर लेना है कम, ऐसे कर लेना है ज़्यादा, हाईलाइट को आपको कर लेना है कम, शेडो को कर लेना है आपको कम। और इसको ओके करने के बाद आपको फिर से पेंसिल वाले क्लिक पर डिटेल पर जाना है, डिटेल को करना है ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है आपको। फिर आपको इसे फिर से पेंसिल वाले पर क्लिक कर लेना है, और आपको जाना है वाइट बैलेंस पर, इसे कर लेना है आपको कम, टेंथ को आपको ज़्यादा कर लेना है। फिर दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल दे दूंगा सेकंड पार्ट में, आपको पूरा समझा दूंगा कि आप कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि दोस्तों ये लंबा बन जाएगा वीडियो थोड़ा सा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।